13 साल की उम्र में अपहरण हुआ, 16 साल में माथे पर टीका लगाकर सबसे खूंखार डकैत बन गई। सलमान खान से लेकर मुलायम सिंह तक चला जादू, बिहार में रहकर भी टूट कर प्यार किया। चंबल की सबसे खूबसूरत और खूंखार डकैत जिसने नफरत में 70 से ज्यादा लोगों को उतार दिया मौत के घाट। तेज बारिश हो रही थी, इसी दौरान घर के बाहर गोली चलने की आवाज आई। दरवाजा तोड़ते हुए 10 डकैत घर के अंदर घुसे और 13 साल की लड़की को उठाकर अपने साथ चंबल के बिहड़ की तरफ भागने लगे। डकैत जिस लड़की को उठाकर लेकर जा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि सीमा परिहार थी। रोते गिड़गिड़ाते पूरी रात पैदल चलाकर सीमा को डकैत लाला राम बिहड़ लेकर गया, जहाँ फूलन देवी और कुसुमा नायक जैसी खूंखार डकैत पहले से ही थी। सीमा परिहार के साथ यहाँ पर कई बार रेप किया गया, भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अगले 3 साल में पूरी कहानी बदल गई। मासूम और सीधी सी दिखने वाली सीमा खूंखार डकैत बन गई, जिसने जिंदगी बर्बाद की उसी डकैत लाला राम को पति बना लिया। और फिर बिहड़ की इस महारानी का ऐसा जलवा कायम हुआ कि सलमान खान से लेकर मुलायम सिंह यादव तक इसका जादू चला। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और 70 लोगों को मारने के बाद भी कैसे सीमा परिहार हर किसी की नजर में हीरोइन बन गई, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। यूपी के औरैया जिले के बबाइन गांव में सीमा परिहार एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। 13 साल की उम्र में डकैत लाला राम जब उठाकर ले गया तो पिता ने पुलिस से छुड़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने ये कहकर भगा दिया था कि तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। चंबल में एक दिन सीमा परिहार को पता चला कि उसके परिवार वालों को भी पुलिस परेशान कर रही है और भाई और पिता को जेल में बंद कर दिया है। सीमा परिहार को जानकर बहुत धक्का लगा और 16 साल की उम्र में खुद बंदूक उठाकर डकैत बन गई। बिहार में बिना पैसे के गुजारा करना मुश्किल था, इसलिए सीमा और उसकी गैंग रसूखदार लोगों उनके बच्चों बीवियों को किडनैप करते और फिरौती मांगते, फिरौती न मिलने पर उनकी हत्या भी कर देते। सीमा का नाम अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। अब तक उसके ऊपर 200 अपहरण, 70 हत्याओं और करीब 30 लूट के मामले दर्ज हो चुके थे और इस तरह से बिहार की सबसे खूंखार डकैत बन गई। पूरे चंबल में सीमा की तूती बोलने लगी थी, बड़े बड़े डाकू उसकी इज्जत करने लगे थे। माथे पर काला टीका लगाए, सिर पर लाल पट्टी बांधे और बागी की वर्दी पहनने वाली सीमा लोगों के सपनों में आने लगी थी। विदेशों तक सीमा परिहार के जुर्म की चर्चाएं होने लगी थी। सीमा ने चंबल में ही डकैत निर्भर गुर्जर से शादी कर ली, लेकिन ये शादी 2 साल के अंदर ही टूट गई क्योंकि डकैत निर्भर गुर्जर बहुत ही अयाश टाइप का डकैत था। निर्भर गुर्जर जब भी गांव में जाता तो लड़कियों के साथ रेप किया करता था, यही वजह थी कि सीमा परिहार ने निर्भय से शादी तोड़कर अलग हो गई। इसके बाद सीमा परिहार अपने से 2 गुना उम्र के लाला राम से शादी कर ली। ये वही लाला राम है जो सीमा को 13 साल की उम्र में उठाकर बिहार लेकर आया था। सीमा परिहार लाला राम के बच्चे की मां भी बन गई, लेकिन साल 2000 में ही पुलिस ने लाला राम का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद सीमा परिहार ने भी पुलिस के सामने सरेंडर किया। साल 2008 में सीमा परिहार को मुलायम सिंह यादव ने बहुत बड़ा सहारा दिया और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इसके साथ ही सीमा परिहार पर चल रहे करीब 15 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया गया और 14 मुकदमों में जमानत दे दी गई। सीमा परिहार ने साल 2007 में अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म वुमेन पर खुद हीरोइन बनकर काम किया था। इसके बाद साल 2010 में खुद सलमान खान ने सीमा परिहार को बिग बॉस में बुलाया था। तब पूरे देश और दुनिया में ये दासियों सुंदरी फेमस हो गई थी और इसके करोड़ों चाहने वाले हो गए थे। फिलहाल सीमा परिहार अपने 23 साल के बेटे के साथ साधारण सी जिंदगी जी रही है, लेकिन इनकी कहानियां आज भी चंबल के बिरानों में गूंजती है। सीमा परिहार की कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी यू के लिए रिपोर्ट।